नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या। पूरे देश को इन तीन भगोड़ों का इंतजार है। देश के हजारों करोड़ लेकर ये तीनों फरार हैं, लेकिन इन्हें वापस लाने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। बैंकों को अपना पैसा वसूलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वजह यह कि ये सभी देश से बाहर हैं। इसी वजह से अब सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि बैंकों से भारी भरकम लोन लेने के बाद जो लोग देश छोड़कर भागने का इरादा रखते हैं वो अब देश में ही फंस कर रह जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 91 ऐसे लोगों को और कंपनियों के मालिकों की सूची तैयार की है जो बैंकों का कर्ज नहीं चुका रहे हैं। करीब 400 कंपनियों की पहचान विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में की गई है, यानी इन कंपनियों के पास लोन चुकाने का पैसा है लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। पीएनबी घोटाले के तुरंत बाद सरकार ने आर्थिक अपराध को अंजाम देकर भागने वालों की संपत्ति जब्त करने वाले बिल को मंजूरी दी है। इसमें यह प्रावधान है कि 100 करोड़ से अधिक के आर्थिक अपराध के अपराधियों की संपत्ति तुरंत जब्त की जाएगी। इसके अलावा 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज रखने वालों के पासपोर्ट की डिटेल लेने का आदेश भी बैंकों को दिया गया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।